दोस्तों मेरठ शहर की गलियों में घूमते घूमते हमें यहाँ एक दुकान मिली है। आप सामने देख सकते हैं भाई हमारे काम कर रहे हैं, जिनकी लगभग ये तीसरी पीढ़ी है इस काम को करते करते। और संगीत के क्षेत्र के सबसे पुराने यंत्र इक्विपमेंट्स में से एक होता है तबला, जिसको यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इनकी। इधर देख सकते हैं बहुत सारे तबले बने हुए रखे हैं। भाई हमारे बैठे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद। शहजाद भाई कितना समय हो गया आपको काम करते करते? कम से कम 10-12 साल। 10-12 साल। और ये जो दुकान है, ये ठिया है, ये कब से है? लगभग 70-80 साल। अच्छा, पहले क्या क्या चीजें आप बनाते हैं? तो ये तबला हो गया, और ये ढोलक है ना? ढोलक, तबला, नकारा। अच्छा, ये सारी चीजें बनती है? अच्छा अच्छा, एक बार मेरे को दिखाइएगा कि किस तरीके से ये जो तबला है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले बताइएगा। अच्छा, ये कटिंग हो रही है? क्या चीज है, क्या है भाई साहब, क्या नाम है आपका? सलीम भाई। ये क्या चीज बना रहे हो आप? पेंडी, तला मतलब। तो सबसे पहली जो स्टेप होता है तबले का, वो यही होता है, ये होता है। अच्छा, ये किस किस चीज से बनता है, कैसे बनता है, इसको एक बार दिखाइएगा जरा। इसको बांधना है जी, रोकने के लिए। अच्छा, ये चीज ये रोकने के लिए, बांध। ये जो आपने इसके चारों तरफ लिपेट रखा है, ये क्या चीज है? तबला है। अच्छा, अब इसको आप बुनना शुरू करोगे? ये क्या चीज होती है, मटेरियल क्या चीज होता है? चमड़ा। अच्छा, और ये लकड़ी को किस चीज की होती है? आम की। ज्यादातर तबलों में आम की लकड़ी ही इस्तेमाल की जाती है, शीशम और आम। अच्छा, ये जो ये चीज है, ये इधर, ये जो ये बजाने वाला तो इधर होता है ना, इसमें क्या चीज का इस्तेमाल होता है, इसमें क्या है भाई, इसके बारे में बताइए थोड़ा। ये बकरी खाल होती है, ये वाली बकरी खाल है, भैंस की खाल है ये वाली। ये होता है आयरन मसाला होता है इसका, ये वाला, ये ब्लैक कलर का जो है ये। अच्छा अच्छा, होता है ये लोहे का आयरन होता है, उसके अंदर से निकलता। अच्छा अच्छा, ये बना बना आता हमारा। अच्छा, ये बना बनाया आता है, जो है साउंड निकलता है। अच्छा, जो आवाज जो आती है वो साउंड निकलता है। अच्छा, कोई बना बनाया रखा है आपके पास? जैसे ये रखे, एक बार दिखाना, जैसे की एक बार हल्का सा। अच्छा, जो सेटिंग होगी। अच्छा, ये बिल्कुल, ये तैयार है बिल्कुल पीस। सिकंदर ये लग गई। हाँ, इसमें लग गई। और ये इसके अंदर साउंड निकला। ठीक। ये साउंड होता है जबरन वाली रिकॉर्डिंग वाली जो हमारा। अच्छा, ये बनती है ढोलक, ये जबरन में बसती है, जबरन वगैरह में, ये माइक में बसती है ढोलक। अच्छा, ठीक। तो आप जरा इसकी मैन्युफैक्चरिंग की हमें बात बताइएगा, शुरुआत किस तरीके से आपने, ये हो गया पहले, ये ऊपर ये कवर कर लिया, ये अलग से आता है, एक बार दिखाइएगा वो कैसा होता है। अच्छा, ये पहले अलग से हाथ से बनाया जाता है ना, और फिर हाथ से बनने के बाद फिर ये आप इसको इस पे कवर कर देते हो और बांध के अब आप इसकी बुनाई शुरू करोगे ना। ये देखिएगा दोस्तों कितनी मेहनत लगती है इस काम को करने में, काफी मशक्कत इनको करनी पड़ रही है, मैं देख रहा हूँ आसानी से नहीं हो रहा है ये। अब ये शुरुआत कर दी आपने इसको बुनने की, जैसे ये बुन रहे हैं ना। ठीक। अच्छा, एक एक करके ऐसे ही निकालोगे आप हाथों से अपने? ये पूरा हैंडमेड है ना? अच्छा, उसको आप पीछे वाला जो हिस्सा है ये इसलिए बांधते ताकि इसमें से निकल के घूम सके। इसे रोकने के लिए और इससे खिंचाई होगी, इसको नीचे खींचा गया, इसे चारों तरफ से एक साथ। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये क्या चीज है? ये भी तबला ही है? इसके साथ तो होता है, ये इसकी जोड़ी होती है ऐसे। अच्छा, जो बजाता है वो इन दोनों को ही बजाता है? अच्छा। हाँ, जो जाकिर हुसैन साहब तबला बजाते हैं जो। ठीक। अच्छा, ये
ये जो है मतलब अकेला नहीं बच सकता, अकेला इन द सेंस कि इसके जैसे दो नहीं बच सकते। सर ये बाया ये दाया है, ये बाया है ये दाया है। जैसे कि लेडीज जेंट्स होता है ना, ये जेंट्स हो गया ये लेडीज हो गया, ये दोनों साथ में ही रहेंगे तभी एक मधुर आवाज निकालेंगे, साउंड भी निकलेगा, एक के बाद एक अधूरा है। ठीक, बोलते हैं दाया, इसे बोलते हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो लकड़ी वगैरह ये कैसे सेट करते हो आप? ये वो है ना जिससे धुन सेट होती है ऊपर नीचे करके, हाँ टाइट करने के लिए, हाँ मतलब अपने ट्यून एक जगह सेट करने के लिए ऊपर नीचे आप कर सकते हो। अच्छा, एक बार ये लकड़ियाँ जो ना कैसे सेट करते हो आप वो दिखा दीजिए किसी उसमें, जैसे वो है आपका। अब इसकी स्टार्टिंग जो है, अच्छा अच्छा अच्छा, इस तरीके से आप लगाओगे। अच्छा, ये इसके बीच में फिर तीन तार छोड़ने पड़ते हैं, ये एक छोड़ना पड़ता है बीच में, मतलब तीन ही आएंगे तुम्हारे। अच्छा ये, अच्छा आपके हिसाब से ये एक है, वैसे ये देखने में तीन है। ठीक ठीक, तो अच्छा ये एक दिन में लगभग कितने तबले तैयार कर देते हो भाई जनाब? ये एक दिन में ज्यादा नहीं है, 10-15 पीस तैयार। हाँ, क्योंकि मेहनत लग रही है बहुत सारी, आप सुबह शाम अगर काम करोगे, सुबह 7 बजे काम पे बैठेंगे तब जाकर 10-15 पीस तैयार, जब जाके 30 तैयार होंगे इतने। ये दूसरा एक रखता है। अच्छा फिर एक, अच्छा फिर एक एक और चढ़ता चला जाता है। अच्छा, एक तबले की कीमत कितनी होती है आपके यहाँ से? इसकी कीमत तो 4000 रुपए, होलसेल रेट वैसे इसका 3000 रुपए, होलसेल जो रेट है। मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ये दोनों सेट, ये 3000 रुपए, 3000 रुपए के। और इसमें अगर हम सामान और बढ़ा देंगे, जैसे ये और क्या बढ़ सकता है इसमें? इसका एक बैग होता है, हथौड़ी होती है इस तरह की, इस तरह की हथौड़ी होती है। अच्छा अच्छा, टून करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, मिलाने के लिए। ये हथौड़ी 200 रुपए की आती है। अच्छा, ये 200 की अपना अलग से दे सकते हैं? ये अलग से आती है, ये है कि कभी ढीला वीला हो जाए तो इसको टाइट कर सकते हैं इससे, ये तार वगैरह इनसे। अच्छा, ये जो है आप अपना ये सेट हो चुका है। अगर आपको कोई भी इस तरीके का इक्विपमेंट संगीत की, जैसे ढोलक हुआ या तबला हुआ, चाहिए आपको, तो गुजरी बाजार में इनकी दुकान है, इनसे आगे आप संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, यदि कोई आपसे संपर्क करना चाहे। नंबर बता दीजिए। नंबर मेरा 74-17-71-81-65-65। तो और क्या नाम बताया था आपने? शहजाद भाई इनका नाम है। इनसे संपर्क करके आप कोई भी सामान खरीद सकते हैं, और अगर मेरठ शहर या मेरठ शहर के आसपास के आप रहने वाले हैं तो इनकी दुकान पर भी आप विजिट कर सकते हैं। गुजरी बाजार में इनकी दुकान है, ये आप देख सकते हैं, मिजाज रिपेयर के नाम से। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।